किसी का रोमांटिक डिनर बुक है? तुम तो मेरे साथ करते नहीं हो ना रोमांटिक डिनर। सिर्फ रोमांस होता है, रोमांटिक डिनर क्या होता है? जो रोमांस नहीं कर पाते वो रोमांटिक डिनर करते हैं। सुन लो मेरी सच्ची बात। सुनो ना, तुम्हें रोमांटिक डिनर आता ना तुम्हें रोमांस आता, ये भी सुन लो। जो चार कुत्ते उठा के लाएगी घर से तो कौन करेगा रोमांस? कोई मुंह चाट रहा है, कोई नाक चाट रहा है, कोई पैंट खींच रहा है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह सुबह आप देख सकते हो मैं एकदम चकाचक तैयार हूँ, बेबी एकदम चकाचक तैयार है, कॉफी मशीन चालू है और इनके साथ ही चुंचा, कोको, कैंडू, चेहरा, चारों एकदम चकाचक तैयार हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं लोनावला। क्योंकि बच्चों के साथ लोनावला के अलावा और कहीं नहीं जा सकते न्यू ईयर हॉलीडे पे। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं इमीडिएटली, सामान सारा गाड़ी में जा चुका है ऑलरेडी, सामान सारा सेट कर चुका है, घर एकदम साफ हो चुका है, एकदम क्लीन हो चुका है घर, ताकि वापस आए तो कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग बस अपनी कॉफी बनाएंगे, बच्चों को चेहरे लगाएंगे और निकल जाएंगे। तो आप लोग तैयार हो हमारे साथ चलने के लिए? तैयार हो ना, आ जाओ। बच्चा एक एक करके अंदर आ जाओ, ये तो पागल का बच्चा है ना। बैठो बैठो बैठो, पीछे बैठो। चलो चुंचा, मामा यही है। चलो चलो, बिबिन की चेन्स खोलनी पड़ेगी। गधे, सबने तंग कर दिया मेरे को, मैं गोद में बिठा के कैसे चलाऊं? अब बैठेंगे चुपचाप। तो जी फाइनली हम लोग डांट डपट के कुत्तों को निकल गए हैं। मान तो नहीं रहे, थोड़ा बहुत माने, लेकिन आज मुझे याद आया, थोड़ा माने, आज मुझे याद आया कि हमने ये गाड़ी कब ली थी, कि ये हम डॉग्स के ट्रैवल के लिए ले रहे हैं क्योंकि वो छोटी पड़ती है। और तब जाके आज पहली बार बेचारों के साथ ट्रैवल हो रहा है लंबा। कैसा पागल बनाया ना इनको, इनके नाम पे गाड़ी लेके। हमारा घर है उसमें आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए आओ मेरे बच्चे, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आ जाओ। अभी घूमने नहीं जा रहे हम, चल अंदर। तो जी ये रहा हमारा रूम, और इसमें इस बार इन्होंने कुछ एडेड लाउंजर भी, वैसे जिन्होंने हमारे पहले के ब्लॉग्स देखे उनको पता है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोग यहाँ पे थे बिकॉज ऑफ डॉग्स, तो हम लोगों के लिए बच्चों के लिए बहुत बेटर रहता है। तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों, अभी उन्होंने खाना खिलाया, सेटल किया और अब आपको रूम दिखा रही हूँ। पहला कोना ये रहा, यहाँ पर बैठ के आप कुछ नहीं करते हो। ये इन्होंने दिया हुआ है एक बार सेक्शन है, शराब पी के आपको पड़े रहना है तो रूम में पड़े रहो, हम लोगों को इनको संभालना है।
तो हम ये तो नहीं पी सकते, वैसे भी हम लोग ये नहीं पीते, तो ये जिनका है उन्हीं को मुबारक हो। दूसरा हमारा फेवरेट सेक्शन आता है नीचे कॉफी का, तो ये रहा कॉफी जिसमें सिर्फ दो ही कॉफी दी है इन्होंने, लेकिन मैं ये वाली कॉफी नॉर्मली पीती भी नहीं हूँ, मशीन वाली पीती हूँ, तो हम लोग बाहर जाके पी सकते हैं। इधर के सेक्शन में मैंने बच्चों का खाना वाना रख दिया है, ये इनका फ्रिज है, ये सब देख सकते हो। ये इन्होंने हमारे लिए कुछ रखा है, विशिंग यू अ प्लेजेंट स्टे, मेमोरेबल स्टे विद अस, वार्म रिगार्ड्स। इंजेक्शन क्यों दिया हुआ हमें बेबी, इंजेक्शन क्यों दिया है? बिस्किट में इंजेक्शन लगा हुआ है ना? हाँ, बिस्किट में दो इंजेक्शन है, कुछ ड्राई फ्रूट है इज्जत के लिए, तो बेसिकली इज्जत बख्शी गई है। यहाँ आते आते ये अविनाश के लिए टेबल हो जाएगा, दो दिन के लिए सॉर्टेड। ये मैंने एक अपना लगेज यहाँ पे रख दिया, दिस इज आवर बेडरूम, ठीक है। यहाँ पे बच्चों का सामान सारा, ब्लैक एंड व्हाइट रूम, ब्लैक एंड व्हाइट रूम। ये हमारा बाथरूम, ये हमारा बाथरूम। ऐसी ऐसी चीजों की ना आदि, बटनों की तो चीजें ही नहीं समझ में आती मुझे। बच्चे की बहुत तबीयत खराब हुई है रास्ते में, वो मेरा बच्चा, एक बच्चा तो मेरे पहले ही चढ़ गया। पता है आपको, अगर आपको याद हो वो वाले व्लॉग्स, जब छुनछुन को हम लोग पहली बार घर से बाहर निकाले थे, वो यही जगह थी, इतना खुश हुई थी ना बाहर आके, मेरा कोको भी आ गया भाई। कोको मेरा बहुत डरा हुआ है, मेरा बच्चा बहुत डरा हुआ है, कोको बहुत डरा हुआ है, मामा मेरा, हाय मेरे बीतू, मेरे बीतू, मेरे बीतू, चल बे जा, चल चल। कोको ना पूरी तहकीकात कर रहा है, कोको मेरा पापा हैप्पी है क्या? चुंचुं कहाँ है? कहाँ भाग रहा चुंचुं? कहाँ भाग रहा? कहाँ भाग रहा? किसके पास भाग रहा है? किसके पास भाग रहा है? चुंचुं चुनचुन को ना बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पापा यहाँ पे आया, सो कैसे रहे हैं, इसने इतना मूंछा है अविनाश का, बीवी तुम्हें बहुत उठा रही है यार, बीवी उसको ना बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम तो नई जगह पे आए हैं, हम तो घूमते हैं खेलते हैं, पापा को ये क्या हुआ, ये देखो क्या कर रही है, मेरे पापा का बीता है ये। चलो फ्रॉकी फ्रॉकी अच्छी अच्छी पहन ले, बाहर घूमने घूमने जाना है। शाम हो गई है, लंच हम लोगों ने किया नहीं, भूख के मारे इतनी बुरी हालत हो रही है, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी हाई टी के लिए। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मुझे हाई टी का बहुत शौक है, मैं तो कॉफी पीऊंगी लेकिन मुझे हाई टी का बहुत शौक है, उसमें से कितना खाऊं या नहीं खाऊं, लेकिन मुझे ना जो पूरा स्प्रेड होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे एकदम रेडी है और बच्चों से आपको मिलवा देती हूँ कि बच्चे कैसे लग रहे हैं। ये मेरी पहली बच्ची, ये देखो, ये मेरा चेहरा बेबा, ये पहना है मेरी कैंदू ने, वो देखो, ओए कोको इधर आ, इधर आ, ये मिले कोको, ये मिले चुंचा, कोको बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन गर्मी लगेगी उसे बहुत। नहीं नहीं बेबी, गर्म नहीं है वो, गर्म नहीं है, एकदम छाई है मेरे बब्बा के लिए, गधे, ओ गधे। एक्चुअली पता है ये ना, ये कोको का था, कोको को मैं कभी नहीं पहना पाई बिकॉज उसको आर्थराइटिस था, बूढ़ा हो गया था, उसको हाथ में मतलब इधर उधर डालने में उसको कभी लग सकती थी, तो मैंने उसको कभी ये हिम्मत नहीं करी कि मैं कोको को पहनाऊं, लेकिन अब वो सारी अपनी जितनी भी मेरी अंदर की वो थी ना, अब मैं कोको पे इस पे निकाल रही हूँ छुटके पे, तो ये अब छुटका पहन सकता है, और ये है कोको का ही ओरिजिनली, ये उसी का है, ये देखो। गुमी चलना है, चलो गुमी चलो, आ जाओ फिर चेन लगा लेते हैं और फिर चलते हैं।
जी निकल गए हम लोग हाई टी के लिए, और इधर हमारे बगल में गार्डन में देख रहे हो आप बहुत सारी तैयारी हो रही है। देखो पूरा लगा हुआ है, ये हो रही है न्यू ईयर पार्टी की तैयारी, जम के हो रहा है धमाल। मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी न्यू ईयर पार्टी करने का। नहीं नहीं, अरे इधर इस बार कुछ लंदन से आर्टिस्ट आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। हाँ ओके, इधर ऐसा वैसा मामला नहीं है, बहुत बड़ा किया हुआ इन्होंने। ये बच्चों के लिए पानी आ गया यहाँ पे। अली मामा, अली मामा, आजा मेरी गुड्डी, आजा मेरी, आजा। कोको तू भागने की फिराक में, मुझे पता है इसकी बेल्ट पकड़ के रखो, लड़ने चाह रहा है ये दूसरे शिद्दू से। हाँ, आजा। तो जी अभी कोई स्काई डिनर कर रहा है इतना अर्ली, कुछ लोग बैठे हुए इसके अंदर, कुर्सियां भी इसकी घूम रही हो, देखो फोटो वोटो खींच रहे हैं। हमने भी बुकिंग की है डिनर की, हालांकि दुबई का तो व्यू बहुत शानदार था, आई डोंट नो व्यू कैसा होगा, बट ठीक है ट्राई करते हैं। क्या ऑर्डर करोगी ऊपर खाने के लिए? मैं पास्ता। मैं क्या करूँ, पानी पूरी मिलेगी ऊपर? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो पास्ता करूँगी। पानी पूरी क्यों खानी है तुम? पानी पूरी, अरे ऊपर बैठ के पानी पूरी खाने में मजा ही अलग है, टॉप पे तुम ऊपर से बैठ के देखना, वैसे बहुत मजा आएगा। किसी का रोमांटिक डिनर बुक है? तुम तो वैसे करते नहीं हो ना रोमांटिक डिनर। सिर्फ रोमांस होता है, रोमांटिक डिनर क्या होता है? जो रोमांस नहीं कर पाते वो रोमांटिक डिनर करते हैं। सुन लो मेरी सच्ची बात, सुनो ना, तुम्हें रोमांटिक डिनर आता ना तुम्हें रोमांस आता, ये भी सुन लो। जो चार कुत्ते उठा के लाएगी घर से तो कौन करेगा रोमांस? कोई मुंह चाट रहा है, कोई नाक चाट रहा है, कोई पैंट खींच रहा है। अपने बच्चों के लिए ये कर दिया तुमने, बच्चे ज्यादा जरूरी है या रोमांस? फंस गई खुद ही। चन्नई चिंचा डाल के रख दिया है, अभी एग ऑर्डर किया हुआ है बॉइल्ड एग, लेकिन इनसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा। चिंजा बॉइल्ड एग मिला के देगी ना मम्मा, एगी एग आने दो। ओ मम्मा मेरी गुड्डी रुक जा, मिलेगा खाना, रुक जा, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, आ रहा आपका एग आ रहा है बाबू। ये लोग भी तो इतना डिले कर रहे हैं ना, कोई क्या कर दो ना मामा। चुंचा बेबी। यार ये बहुत चंटा है लड़की। हाँ दे रही बाबा, मामा दे रही हूँ, आ रहा है ना, बस एग आने दो आपका, एग मिलाने दो इसमें, फिर आपको देते हैं, ठीक है? नहीं चुंचे नहीं ना मामा, मेरी छोटी बिल्ली वो देखो कैसे बैठा है। अरे मैं समझ सकती हूँ, मेरा एक्चुअली हम लोगों को भी जाना है ना, तो हम लोग पहले से ही ये सब तैयारी करके रख रही हूँ कि फटाफट खिला के इनको घुमा के हम लोग निकल जाएंगे। ये देखो मम्मा ने क्या मंगाया, चुंचा ना वेरी बैड, सबको दे रही हूँ मैं, सबको मिलेगा, रुको। अरे यार छील के भी नहीं दिया इन्होंने। तो जी मैं रेडी हो गया हूँ अपने इस काई गार्डन डिनर के लिए, संभावना भी रेडी हो गई है, फटाफट बच्चों को खाना खिला के बाहर लेके आए हैं ताकि वो थोड़ा सा वॉक वॉक कर लें, और हम इनको बंद करके फिर जाएंगे एक घंटे के लिए। हमने रूम के अंदर लगा दिया कैमरा, क्योंकि ऊपर स्काई गार्डन क्रेन से डाइनिंग टेबल को ऊपर खींचते हैं, तो वहाँ डॉग्स अलाउड नहीं है, बाकी इस प्रॉपर्टी में हर जगह डॉग्स अलाउड है, लेकिन हम कैमरा घर से ले आए थे, कैमरा का एक्सेस रखेंगे अपने पास और हम देखते रहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि चारों एक साथ रह लेते हैं, लेट्स सी। तो जी 8:30 पे हमारा वो स्काई गार्डन डिनर है, और 8:25 पे हमको पहुंचने को बोला था, लेकिन कुत्तों को माने में 25 हो चुके हैं, और उन्होंने बोला एक बार अगर वो हवा में उड़ गया ना फिर उसके बाद किसी को अलाउड नहीं है। भागी भागी कर। अब कितने भागी भागी कर लो, उड़ गया वो, मैं देख रहा हूँ ऊपर जाते उसको यहाँ से। तो जी वो रहा हमारा सामने, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा स्काई गार्डन डिनर। हाँ ये पूरा का पूरा टेबल, मैं भी कहूँगी क्या नई चीज है ये, पूरा का टेबल बार के साथ ऊपर उड़ जाएगा। Oh, I'm so excited, baby. इस बार ना इधर एक अलग ही चहल पहल है, और इतना मैं enjoy कर रही हूँ ना। बैलेंस के लिए वेट रख रहे हैं।
बैलेंस के लिए वेट रख रहे हैं। डरना नहीं है क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम भी डर गई तो फिर फायदा क्या? अरे ऊपर जा रहे हैं। बेबी मेरे पैर हवा में लटक रहे हैं। हम बहुत ऊपर हैं, हम बहुत ऊपर हैं। ये देखो ना क्रेन। मैं आपको बता रही हूँ जो एक्सपीरियंस है ना, आउटस्टैंडिंग है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार। अंदर कुछ होता है ना। देखो ना मेरे पैर कैसे खेकड़े जैसे हो गए हैं। अगर चप्पल गिर गई तो मेरी मम्मी होती तो उनको अपने ना उसकी चिंता नहीं होती शरीर की, चप्पल की। कूल बनने की कोशिश मत करो, इंसान डरता है ना तो सबसे पहले रैपर बनता है। जो मजा आया है। उफ, उफ, उफ। इस स्काई गार्डन डिनर से सबसे बड़ी लर्निंग क्या मिली कि जो ऊपर जाता है वो एक ना एक दिन नीचे आता है, लेकिन फिर वो दोबारा ऊपर जा सकता है। बहुत मजा आया इसमें। ये कितना सुंदर बेबी, इधर जाओ, इधर इधर। अरे कितना बढ़िया लिटअप किया हुआ है, क्रिसमस ट्री दिख रहा है। एक घंटा पता ही नहीं चला, नहीं पता लगा है ना। हाँ। एक घंटा यूं निकल गया। तो जी नीचे आ गए और पीछे बॉनफायर हो रहा है एक जगह पे। अरे यार चलो वहाँ पे थोड़ा एक राउंड मार के जाते हैं। चलो तो जी स्काई डिनर करके आ गए हैं। बहुत ही मजा आया और बहुत ज्यादा मजा आया है। बहुत ही मतलब ये शायद व्लॉग में इतना ना दिखे जितना हम लोगों ने एंजॉय किया। हमने व्लॉग ही कम बनाया, हमने कहा भाई एक घंटे का टाइम अपने पास, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर लेते हैं। मंचू पिंचू के कमरे का कैमरा बंद हो गया ऊपर जाते ही क्रेन में। अब देखते हैं क्या चल रहा है मंचू पिंचू का। अंदर तो सब चालू छोड़ के गए थे। अरे मंचू 712 है बेबी, हमारा 711 था। नहीं इसके पीछे वाला बेबी ये, हाँ यही है 711 ही है। अरे ये पिंचू बैठा हुआ है, पिंचू बैठी है। आवाज मत देना, हमारा इंतजार कर रही है। तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कैंडी करती है, कुछ भी कर लो तुम। ओ मंचू पिंचू चेहरे तो ऊपर कैसे पहुंच गया, चेहरे तो ऊपर कैसे आ गया, ऊपर कैसे चढ़ा तू? गुस्सा कर रही है कि कहाँ थे तुम लोग। कूदना नहीं बेटा, कूदना नहीं, पैर में दर्द शुरू हो चुका है।